जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं आपको अवश्य पाऊंगी, अवश्य। ये कोई संकट नहीं है। रुक्मांगद का संकट दूर करने में मैं पूर्णतः सक्षम हूँ। देवी, आप यहाँ इस समय? भावनाएं समय असमय का विचार नहीं करती। आप मेरा निवेदन अस्वीकार करके नहीं जा सकते। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मेरी कामना पूर्ण करो। मैं जा रहा हूं, मैं ये पाप कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं। आपको अपने इस रूप पर बहुत गर्व है ना? अपने इस रूप का बहुत अभिमान करते हैं ना आप? तो सुनिए कुमार, इस संसार में किसी का अभिमान कदापि नहीं रहा। मैं महर्षि वाचक नवि की भार्या गणेश भक्त मुकुंदा आपको ये श्राप देती हूँ। आपका ये रूप किसी के देखने योग्य नहीं रहेगा। कुरूप हो जाएंगे आप, कुरूप हो जाएंगे आप। पुत्र गणेश, तुम्हारे मुखमंडल पर ये उदासी कैसी? माते, देख रही है ना आप, महर्षि की पत्नी मुकुंदा के शाप से क्या हो गया है मेरे भक्त को। किंतु पुत्र, तुम तो अपने भक्त को इस स्थिति में मैं कदापि नहीं देख सकता। परंतु विधि की इस विचित्र लीला को देखकर दुख होता है। माते, देखिए ना, कुमार रुक्मांगद की क्या दशा हो गई है। श्री विनायक, ये आपने क्या कर दिया? मैं तो आपके दर्शन करने निकला था,
और उसी अभिलाषा में मैं यहां तक पहुंचा। लेकिन आपने मुझे किस अपराध का दंड दिया प्रभु? देखिए मेरी दशा, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। विनायक, क्या यही है आपकी सेवा और भक्ति का प्रसाद? क्या यही है धर्म का पुरस्कार? आपने अपने इस भक्त का तिरस्कार क्यों किया प्रभु? क्यों मुझे हंसी के पात्र बनाया प्रभु? प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, ऐसी कौन सी भूल की थी जो आपने मुझे ये रूप दे दिया? प्रभु, अब सभी लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। क्या होगा मेरे जीवन का प्रभु, क्या होगा? मैं कहां जाऊं, क्या करूं प्रभु, क्या करूं? कहां जाऊं इस रूप को लेकर प्रभु, मैं कहां जाऊं? कहां जाऊं? देवी मुकुंदा की कामना का तिरस्कार करके तुमने बहुत बड़ी भूल की है कुमार, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
क्या हुआ देवी? आप अभी तक जाग रही हैं देवी? क्या नींद नहीं आ रही आपको? देवी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ मुझे। यदि आपके मन में कोई ऐसा विचार है जो आपको चिंतित कर रहा है तो मुझे स्पष्ट बताएं। मैं पहली बार आपकी आंखों में अश्रु देख रहा हूं। ऐसा कौन सा दुख है आपको जिससे आप इतना विचलित हैं? आपके मन में जो भी बताएं, किसी भी प्रकार का संकोच न करते हुए आप अपनी व्यथा मेरे समक्ष व्यक्त कर सकती हैं। आप मुझे उलझन में डाल रही हैं देवी। क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या ना विघटन पे मैंने कोई कष्ट पहुंचाया है आपको? नहीं स्वामी, मेरी चिंता और कष्ट का कारण आप नहीं है, किंतु आप मुझसे कोई सवाल ना पूछिए, कुछ मत पूछिए मुझसे। अपनी इस चिंता और कष्ट का कारण मैं स्वयं हूं। ऐसा ना कहें देवी, आप नहीं जानती, परंतु आपको कष्ट में देखकर मुझे भी कष्ट हो रहा है। स्वामी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, पर अब समय ही मेरे कष्ट का निवारण करेगा। स्वामी, स्नान पूजा का समय हो गया है। हाँ, मैं जा रहा हूं। परंतु जब तक मुझे आपके दुख का कारण पता नहीं चलेगा, मेरा चित्त शांत नहीं होगा। यदि कोई बात है तो मुझे अवश्य बताएं, कदाचित मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। नहीं स्वामी, आप मेरे लिए चिंतित ना हो। बस पूर्व की कुछ बातें स्मरण हो गई थी। अतीत का सदैव स्मरण नहीं करना चाहिए, और विशेषकर उस अतीत का जिसमें दुख के क्षण अधिक हो। वाह, कितना सुखद संयोग है, मुकुंदा से मिलने में अब कोई बाधा नहीं है। आपको ये श्राप देती हूं, आपका ये रूप किसी के देखने योग्य नहीं रहेगा। कुरूप हो जाएंगे आप, कुरूप हो जाएंगे आप। कितना बड़ा अनर्थ किया है मैंने, एक गणेश भक्त के साथ अन्याय किया है। अपने कामना के लिए क्रोधवश मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। श्री गणेश मुझे क्षमा करे मुझे।
देवी कहाँ है? देवी कुमारा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कहीं मैं भ्रमित तो नहीं हूं? क्या हुआ देवी, आप मुझे भूल गई? मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ कुमार? परंतु आपका ये रूप, मैंने तो क्रोधवश आपको कुरूप होने का श्राप दिया था ना। श्री गणेश की कृपा से मैंने अपना रूप पुनः प्राप्त किया देवी। आपकी महिमा अपार है श्री गणेश। मैंने आपकी कामना पूर्ण ना करके बहुत बड़ी भूल की थी। नहीं कुमार, भूल तो मुझसे हुई है ना। मैं अपने विचारों का नियंत्रण रख सकी और ना अपने क्रोध का। मैं भी आपके क्रोध का भागी था देवी। आपकी कामना का अनादर जो किया था मैंने, इसी कारणवश श्रापित हुआ। किंतु अब मैं आ गया हूं देवी। मेरा एक प्रश्न है आपसे प्रभु। आप समस्त विघ्नों का नाश करते हैं, आपकी कृपा से प्रत्येक कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है, फिर मेरे साथ इसका विपरीत क्यों प्रभु, क्यों? मैं तो आपके अद्भुत रूप का दर्शन करने आया था प्रभु, किंतु ये क्या किया आपने प्रभु, ये क्या किया? बोलिए प्रभु, इस रूप में मैं ना राजमहल लौट सकता हूं, ना आपकी साधना कर सकता हूं। क्या अर्थ है मेरे इस जीवन का? बोलिए प्रभु, आप मौन क्यों हैं? बोलिए प्रभु, बोलिए। आप कब तक मौन रहेंगे प्रभु, कब तक? यदि आप चुप हैं तो आप मेरा भी निर्णय सुन लीजिए। मैं विदर्भराज महाराजा भीम का पुत्र, आपका भक्त रुक्मांगद, अपना यह श्रापित जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। आपकी कृपा से जो जीवन मुझे मिला है, उसे आपके चरणों में अर्पित करने जा रहा हूं। इस जीवन से अब मुझे कोई मोह नहीं है श्री गणेश, कोई मोह नहीं है, कोई मोह नहीं है। नारायण नारायण, ये तो अनर्थ हो जाएगा श्री गणेश। कुमार, भगवान कभी कभी भक्त की परीक्षा लेते हैं। किंतु देवर्षि, मेरा ये रूप, श्री गणेश की महिमा अपार है कुमार। मैं जानता हूं,
माता बनने की प्रक्रिया में खट्टे फल रुचिकर लगते हैं। हाँ स्वामी, बड़ी इच्छा कर रही थी